आचार संहिता के दौरान व्यापारियों द्वारा कैश ले आने और ले जाने में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में थोक वस्त्र व्यवसायी वेलफेयर सोसाइटी गोरखपुर के अध्यक्ष राजेश निवानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया तथा व्यापारियों द्वारा मार्केटिंग करने के लिए ले जाए जा रहे धन राशि पर कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की। जबकि सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि 50,000 रुपए से ऊपर की धनराशि ले जाने पर उसका पूर्णतः कागजात दिखाना आवश्यक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए व्यापारी चंद्रकेश और सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा, चंद्रकेश निगम, हम लोग थोक वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में श्री राजेश निवानी जी के नेतृत्व में नगर मजिस्ट्रेट को इस बात का ज्ञापन दिए हैं कि इस चुनाव आचार संहिता में हम कपड़े के व्यापारी और उनके तगादगीर जो तगादा पे जाते हैं और उसमें पैसा की वसूली होती है, वो रसीद बुक के साथ आती है और रिकॉर्ड में रहता है कि किस व्यापारी ने कितना रुपया दिया और रसीद नंबर से दिया, उस संदर्भ में हम लोग मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आए थे कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि हमारा जो पैसा है वो वैध है और उसके पूरे कागजात और हिसाब किताब सही हैं, प्रशासन के द्वारा पुलिस के द्वारा किसी प्रकार के व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। और ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि व्यापारियों की तत्काल मदद की जाए। हाँ, उन्होंने ज्ञापन दिया था कि अगर हम लोग कैश लेके जाते हैं तो हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। तो आप सब जानते ही हैं कि 50,000 रुपये से अगर ऊपर कोई भी कैश अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसका लीगल पेपर नहीं है तो फिर वो वायलेशन माना जाएगा और उसकी जांच जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो करेंगे। तो इसमें जो व्यापारी आए थे उन्होंने ज्ञापन एक सौंपा था कि हम लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। तो हमने उन लोगों से यही कहा कि जो भी आप अगर ट्रांजेक्शन या कैश लेके आ जा रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास उसका रसीद हो, बिल हो, जिससे जो अधिकारी जो चेक इन कर रहे हैं अगर उनको आप वो सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका उन लोगों का हरासमेंट होगा। अगर पेपर नहीं रहेगा तब तो फिर उसको रेफर किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, चेक तो अनिवार्य रूप से किया जाएगा क्योंकि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है। अगर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि उनके साथ या उनके आड़ में कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, गलत ट्रांजेक्शन, इलीगल ट्रांजेक्शन, तो फिर ठीक नहीं होगा, MCC का वायलेशन होगा। तो इसमें जो है बस यही है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट और लीगल पेपर लेके चले, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब बिल्कुल बात करें, सक्षम जो भी अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं।